नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की एक सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी, उसकी चार बहुएं थीं। वह चारों बुढ़िया की बहुत सेवा करती थीं। सबसे छोटी बहू लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। बाकी की तीनों बहुएं उससे ईर्ष्या करती थीं। बुढ़िया के पास चार भैंसे भी थीं। समय बीतता गया। एक दिन सास ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा, मैं एक महीने के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक तुम लोग घी इकट्ठा करना, इससे तुम्हारे कौशल का पता चलेगा। जो सबसे अधिक घी बनाएगा वह सबसे चतुर और होशियार माना जाएगा। बुढ़िया ने चारों को एक एक भैंस दे दी और वहां से चली गई। चारों भैंस सब ने अपने अपने कमरे के बाहर बांध ली और काम पर लग गईं। तीनों ने सोचा कि सबसे छोटी वाली को कुछ आता जाता तो है नहीं, बस पूजा करती रहती है, हम तीनों ही विजेता होंगे। तीनों यह सोचकर बहुत खुश हो गईं। सबसे छोटी बहू सबसे पूछती रहती थी कि क्या करना है, घी कैसे बनाते हैं, परंतु कोई कुछ नहीं बताता। तो वह अपने हिस्से का दूध पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ा आई। धीरे धीरे समय बीतता गया। तीनों बहुओं का डिब्बा घी से भर गया। एक महीना पूरा होने वाला था। सबसे छोटी बहू रोती हुई लक्ष्मी माता के पास पहुंची और कहती है, माँ मुझे तो घी बनाना ही नहीं आता, मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए। तभी वहां लक्ष्मी माँ प्रकट होती है और कहती है, पुत्री तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तभी लक्ष्मी माँ तीन छोटे छोटे घी के गोले उसे देती है और कहती है कि ये तीनों अलग अलग डिब्बों में डाल देना, तेरी समस्या दूर हो जाएगी। और फिर वह दिन आ ही गया जब सास वापस आ जाती है। सास के आते ही तीनों बड़ी बहुएं अपने घी का डिब्बा लेकर सास को दिखाती हैं। सास बहुत खुश हो जाती है। फिर सबसे छोटी बहू अपना घी का डिब्बा लेकर आती है। इतना घी देखकर तीनों बहुओं के पसीने छूट जाते हैं। वह बोलती है, तुझे तो घी ही बनाना नहीं आता था, तो तेरे पास इतना घी कहाँ से आया, जरूर तेरे पति बाहर से लाए होंगे। फिर छोटी बहू अपनी सास को सारी बात बता देती है। यह सुनकर सास को अपनी बहू पर बहुत गर्व होता है। तभी सास और चारों बहुएं मिलकर लक्ष्मी माता की पूजा करने लगती हैं और इस प्रकार लक्ष्मी माता ने अपनी भक्त की लाज रखी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? इसी प्रकार की भक्ति की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।